Good morning, student. Myself, H.G. Rajalakshmi. Today, I will be teaching the basic lines of alphabets. बच्चों, आज हम अक्षरों के अवयव के बारे में सीखेंगे. अक्षरों के अवयव. फर्स्ट वन बच्चों, क्या है? स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. सेकेंड वन, स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड वन स्लीपिंग लाइन, थर्ड वन क्या है बच्चों? स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. फोर्थ वन कर्व्स. 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 फोर्थ वन कर्व्स. फोर्थ वन कर्व्स. फिफ्थ वन. फिफ्थ वन सर्कल. फिफ्थ वन सर्कल. फिफ्थ वन सर्कल. सर्कल. बच्चों ध्यान से देखो. फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड वन स्लीपिंग लाइन, थर्ड वन स्लैंटिंग लाइन, फोर्थ वन कर्व्स, फिफ्थ वन सर्कल. स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? कड़ी पाई. हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कड़ी पाई. हिंदी में क्या कहते हैं? कड़ी पाई. सेकेंड वन स्लीपिंग लाइन. शिरो रेख. स्लीपिंग लाइन. शिरो रेख. थर्ड वन वक्र रेखा. थर्ड वन वक्र रेखा. फोर्थ वन. फोर्थ वन आधा गोल. फोर्थ वन आधा गोल. फिफ्थ वन सर्कल. गोलाकार. फिफ्थ वन गोलाकार. कड़ीपाई, शिरोरेख, वक्र रेखा, आधा गोल, सर्कल. बच्चों इन रेखाओं की सहायता से हम
वर्णमाला के अक्षरों को लिखना सीखेंगे। वर्ण माला बच्चों, वर्णमाला दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन स्वर, सेकेंड वन व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट वन स्वर, सेकेंड वन व्यंजन। आज हम वर्णमाला के स्वर के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वर का पहला अक्षर अ। स्वर का पहला अक्षर क्या है बच्चों? अ। क्या है बच्चों? अ। संख्या तीन के आधार पर या लिखते हैं। पहला ध्यान से देखो, आधा गोल, ऊपर तक या संख्या त्रि बच्चों। बाद में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ध्यान से देखो बच्चों, पहले आधा गोल, ऊपर तक संख्या त्रि, फिर संख्या त्रि, स्लीपिंग लाइन, फिर संख्या त्रि, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, संख्या त्रि, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्वर का पहला अक्षर अ। अ स्वर के बाद आता है आ। दूसरा स्वर अक्षर आ। ध्यान से देखो बच्चों, आ, स्वर का पहला अक्षर अ, दूसरा अक्षर आ। ध्यान से देखो लिखने का क्रम, आधा गोल, संख्या त्रि, फिर संख्या त्रि, क्या है? कड़ी पाई, करेक्ट? नो, दिस इज शिरोरे, स्लीपिंग लाइन। संख्या त्रि, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, संख्या त्रि, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर शिरो रेक। ये है स्वर का दूसरा अक्षर अ। इसका उच्चारण देखो बच्चों, पहला वन अ, दूसरा वन आ, पहला वन आ, ध्यान से सुनो अ, दूसरा वन आ, पहला वन अ, दूसरा वन आ। ये दोनों संख्या तीन के आधार पर लिखते हैं। पहला संख्या त्रि लिखो,
बाद में क्या है? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। दूसरा स्वर अक्षर आ। संख्या 3, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर क्या है? स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट आ के बाद आता है ई, स्वर अक्षर ई। आ के बाद आ, आ के बाद ई। ये क्या है बच्चों? ई। ये अंग्रेजी भाषा यस के आधार पर लिखते हैं। ध्यान से सुनो, पहले छोटा क्या है? कड़ीपाई। छोटा कड़ीपाई आधा गोल, छोटा कड़ीपाई एस, छोटा कड़ीपाई आधा गोल, इसके पास एच, नीचे एक पूंछ डालो, फिर कड़ीपाई एस, नीचे एक पूंछ, ऊपर शिरो रेक। ये स्वर अक्षर ई। ये क्या है बच्चों? स्वर अक्षर ई। ई स्वर के बाद आता है अगला स्वर अक्षर ई। ये क्या है बच्चों? ई। ध्यान से देखो, कड़ीपाई, कड़ीपाई आधा गोल, कड़ीपाई एस, कड़ीपाई एस, नीचे पूंछ, कड़ीपाई यस, नीचे पूंछ, ऊपर शिरोरेक। ये क्या है बच्चों? ई। ये लिखे है ना, ये ई, शिरोरे सॉरी कड़ीपाई एस, नीचे पूंछ, ऊपर एक मात्रा लिखो। ये क्या है बच्चों? ई। पहला ई, दूसरा बार दूसरा ई। इसका उच्चारण देखो बच्चों, ई। ध्यान से देखो, ई ई ई। स्वर अक्षर पहला अ, दूसरा अक्षर आ। आ के बाद आता है स्वर अक्षर ई। ई के बाद आता है ई। ई स्वर के बाद आने वाला स्वर अक्षर उ। क्या है बच्चों? उ। ई अक्षर के बाद आता है उ। ध्यान से देखो, पहला आधा गोल, बाद में संख्या 3। इसी तरह अभी आ स्वर अक्षर लिखे है ना, इसी तरह संख्या 3 लिखो। ध्यान से देखो, आधा गोल, संख्या 3, संख्या 3, ऊपर शिरो रे। ये क्या है बच्चों? उ। क्या है बच्चों? उ। उ के बाद
आने वाला स्वर अक्षर उ। क्या है बच्चों? उ पहला आधा गोल, संख्या त्री, संख्या त्री एक पूंछ, संख्या त्री पूंछ ऊपर शिरो रेख, स्वर अक्षर ई के बाद आता है उ। उ स्वर के बाद आने वाला स्वर अक्षर क्या है बच्चों? उ। इसका उच्चारण देखो बच्चों, उ। उ के बाद उ, उ और उ के बाद आने वाला स्वर अक्षर ऋ। क्या है बच्चों? ऋ। कुछ लोगों ने री भी कहते हैं। उ के बाद आने वाला स्वर अक्षर रु। क्या है बच्चों? रु। ध्यान से देखो बच्चों, कड़ी पाई, कड़ीपाई, वक्र रेखा, कड़ीपाई, वक्र रेखा, वक्र रेखा, कड़ीपाई, वक्र रेखा, वक्र रेखा, आधा गोल। ये क्या है बच्चों? रू। ये क्या है बच्चों? रु। स्वर अक्षर उ। उ के बाद उ। उ स्वर के बाद आने वाला स्वर अक्षर ऋ। बच्चों, इन रेखा एंग के सहायता से स्वर अक्षर अ से रु तक कैसे लिखना सीखा। ये क्या है बच्चों? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट साइड स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, सर्कल। अब आइए बच्चों, संख्या त्री के आधार पर अ आ, अंग्रेजी भाषा एस के आधार पर ई ई, संख्या त्री के आधार पर उ उ, वक्र रेखा और वक्र रेखा, कड़ीपाई, आधा गोल से ऋ। कैसे लिखा आप जानते हैं ना? इन अक्षरों में आने वाला शब्दों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों। स्वर अक्षर अ, स्वर अक्षर अ, अ अक्षर से आने वाला शब्द अनार। क्या है बच्चों? अनार। अनार का रंग लाल रंग में है। देखो बच्चों, अनार लाल रंग में है। अनार एक स्वादिष्ट और मीठा फल होता है। अदरक अ से
अदरक। आ किधर है बच्चों, देखो अ, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अमरूद। आ के बाद आने वाला स्वराक्षर आ, आ, क्या है बच्चों? आम। क्या है बच्चों? आम। आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है। आप जानते हैं ना, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। और आ से आटा, आ से आटा, आ से आलू, आ से आलू। आ के बाद आने वाला स्वर ई। क्या है बच्चों? ई। ई से इमली, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमारत, ई से इमारती, ई से इमारती, ई। ये क्या है बच्चों? ई। ई से ईद, ई से ईद। ईद मुसलमानों के त्योहार है बच्चों। इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ईंट, ईंट। ई से ईक, ई से ईक। ई के बाद आने वाला अगला स्वराक्षर ओ। क्या है बच्चों? ओ। ओ से उपहार, ओ से उपहार, ओ से उत्सव, ओ से उत्सव, ओ से उल्लू, ओ से उल्लू। भगवान लक्ष्मी देवी का वाहन है बच्चों, ऊ। ऊ से ऊद बिलाव, ऊ से ऊद बिलाव, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। बच्चों रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को क्या क्या कहा जाता है बच्चों? रेगिस्तान की जहाज भी कहा जाता है। इसका गर्दन देखो बच्चों, बहुत ऊंची होती है ना। ये पालतू जानवर है। ये क्या है बच्चों? ऊंट। ये पालतू जानवर है। ऊ के बाद र। ये गलत है बच्चों, आप जानते हैं ना कैसे लिखना। नीचे गोला कर लिखो। र से ऋषि, र से ऋषि, र से ऋतु, र से ऋतु, र से ऋषभ, र से ऋषभ। चित्र के माध्यम से इन स्वरों को, इन स्वर अक्षरों से आरंभ
होने वाला शब्दों को आप सीखना है ना। आज की कक्षा में इतना ही, कल मैं नए अक्षरों के साथ मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों, घर में स्वर अक्षर लिखने का अभ्यास करो। इस अक्षर से आरंभ होने वाला शब्दों को अभ्यास करो बच्चों। धन्यवाद बच्चों।